हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आज है 23 अप्रैल और आज और कल के हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। और हमने कल से करंट अफेयर पढ़ाने में बहुत सारी चीज़ों का बदलाव किया है। पहला बदलाव यह है कि इस करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग जीके स्टडी, मतलब स्टैटिक जीके भी पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हमने जो पिछला जो हमने करंट अफेयर पढ़ा है उसका रिवीजन भी करेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में। जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस आयोग द्वारा राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, तो नीति आयोग द्वारा। अब इसी तरीके से जितने भी प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं पिछले कुछ महीनों में, उसको हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में देख लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग अब आगे की पढ़ाई हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में किस आयोग द्वारा राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, ये किया गया था नीति आयोग के द्वारा। अब इसका व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। तो मई में नीति आयोग ने राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो उपयोगकर्ताओं के अनुकूल तरीकों से डेटा, सरकारी डेटा देगा और डेटा संचालित निर्णय लेने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा। प्लेटफॉर्म जिसकी संकल्पना 2020 में की गई थी का उद्देश्य सरकारी स्रोतों में डेटा के मानकीकृत करना और लचीला विश्लेषण प्रदान करना है, जो उपयोगकर्ताओं को कई डेटा सेट का उपयोग करके आसानी से डेटा का विश्लेषण करने की अनुमति देता है। अब देखिए, अब ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ना, इसी के थ्रू हम लोग पिछले कुछ जो कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं उसको हम लोग देख लेंगे। तो पहला है हमारा कि किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है। तो ये किया है सांस्कृतिक और कपड़ा मंत्रालय ने, यानी संस्कृति और कपड़ा मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है। इसी तरीके से हमारा दूसरा है कि किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा। और हमारा अगला है कि किस केंद्रीय मंत्री द्वारा हाल ही में वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल, कौन सा, तो वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है भूपेंद्र कुमार के द्वारा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा दूसरा करंट अफेयर है कि हाल ही में किस शहर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष शुरू किया गया है। तो ये किया गया है नागपुर में। ठीक है, यानी इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो व्याख्या में क्या है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम रेडियो अक्ष है, नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। और नागपुर की 96 साल पुरानी संस्था द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर, यानी कि TBRN और समष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल यानी सक्षम इस विचार के पीछे संलग्न है। और चैनल विभिन्न इंटरनेट रेडियो प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध होगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो पहला क्या है कि किस शहर में संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊँची प्रतिमा का निर्माण किया गया है। तो ये किया गया है कहाँ पे, हैदराबाद में। ठीक है, और हमारा अगला है कि किस शहर में इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है वाराणसी में। और हमारा अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि किस शहर में ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया हैदराबाद में। और हमारा नेक्स्ट है कि किस शहर में भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवहार इनक्यूबलेटर, क्या है, मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबलेटर लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है गुरुग्राम में। और हमारा इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किस शहर में हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है मुंबई में। और इसका व्याख्या हम लोग देखें तो क्या है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे, जो स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए एक मंच है। हुनर हाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थानीय के लिए आवाज़ और आत्मनिर्भर भारत की अपील को मजबूत कर रहा है।
इसी तरीके से इससे रिलेटेड हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो पहला है कि हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा किस शहर में उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है बेंगलुरु में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि किस शहर में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है बेंगलुरु में। और हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हाल ही में किस शहर में राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई, कौन सा, तो ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया, तो ये किया है लखनऊ में। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में राइट टू पी अभियान, कौन सा, तो राइट टू पी अभियान शुरू किया गया, तो ये किया गया है नागपुर में। इसी तरीके से हमारा पांचवा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है कि हाल ही में किस राज्य ने तमिलनाडु को हराकर 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीती है, तो ये जीता है हरियाणा ने। ठीक है, इसका हम व्याख्या देखें तो हरियाणा ने विनियमन समय पर 1-1 से समाप्त होने के बाद शूट आउट में तमिलनाडु को 3-1 से हराकर 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के रूप में उभरा है। टूर्नामेंट 6 से 17 अप्रैल 2022 तक भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। हरियाणा ने 2011 के बाद पहली बार ट्रॉफी जीती है। कर्नाटक के तीसरे चौथे स्थान के वर्गीकरण मैच में महाराष्ट्र को 4-3 से हराया है। ठीक है, अब हम इम्पॉर्टेंट अगर फैक्ट की बात कर ले तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है हमारा कि इससे रिलेटेड कि हाल ही में अर्जेंटीना ने किसे हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है, तो ये जीता है जर्मनी को हराकर। ठीक है, हमारा अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि किस राज्य ने 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, तो ये जीता है उत्तर प्रदेश राज्य ने। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को भारतीय महिला टीम की कप्तान बनाया गया है, तो ये बनाया गया है सुविता पुनिया को क्या बनाया गया है कि भारतीय महिला टीम हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है। और हमारा नेक्स्ट फैक्ट है कि हाल ही में किस ओलंपियन को परम विशिष्ट सेवा पद से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है नीरज चोपड़ा को। ठीक है, हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है कि हाल ही में किसे भारत के अगले सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं तो व्याख्या में क्या है कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे थल सेना अध्यक्ष हैं, वह जनरल एमएम नरवड़े का स्थान लेंगे जो 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ हम महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं तो महत्वपूर्ण फैक्ट में है कि भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर 7 मार्च 2022 को वायु शक्ति अभियान आयोजित करने की घोषणा की है, तो ये किया है पोखरण में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 का आयोजन किया जाएगा, तो ये किया जाएगा बांग्लादेश में। और हमारा नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय रिजर्व बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो ये मनाया है 83वां स्थापना दिवस मनाया है। और हमारा नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किसे देश के सेना प्रमुख भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया, तो ये किया है नेपाल को। ठीक है, और हमारा अगला करंट अफेयर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ एनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये बनाया है कर्नाटक को। यानी कि राबिन उथप्पा को कर्नाटक राज्य सरकार ने ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए हम इसका व्याख्या देख लेते हैं तो कर्नाटक राज्य सरकार ने NIMH, ANS और नीति आयोग के साथ मिलकर जनवरी में कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और भारतीय क्रिकेटर राबिन उथप्पा को हाल ही में कर्नाटक
ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 3 पायलट अस्पतालों में डॉक्टरों का प्रशिक्षण और ब्रेन हेल्थ क्लिनिक शुरू करने की भी तैयारी शुरू हो गई है। अब क्या हम देखेंगे, अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमारे। तो पहला है कि किस अभिनेत्री को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, कौन सा भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है विद्या बालन को। उसी तरीके से हमारा दूसरा है कि हाल ही में किस राज्य ने मनोज तिवारी को राज्य खादी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो ये किया है बिहार के, क्योंकि मनोज तिवारी बिहार के ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि किस अभिनेता को नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो ये बनाया गया है रणबीर सिंह को। और हमारा अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो ये बनाया है उत्तराखंड को। ठीक है, इसी तरीके से हमारा अगला इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन का विमोचन किया गया है, तो ये किया गया है राजेश तलवार, यानी राजेश तलवार के द्वारा लिखी गई पुस्तक द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन का विमोचन किया गया है। अब इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर राजेश तलवार द्वारा लिखित द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन अ प्ले फॉर चिल्ड्रेन ऑन ह्यूमन राइट नामक एक नई पुस्तक जो भीम राव रामजी अम्बेडकर के बचपन की यादों पर एक तथ्य आधारित नाटक है का विमोचन किया गया है। यह पोनीटेल बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है और तलवार की लिखी किताबों में द वैनेंसिंग ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ठीक, गांधी, अंबेडकर और फॉर 11 स्कॉर्पियन और औरंगजेब शामिल है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो रिवीजन के तौर पर मैंने शामिल किया है। तो हाल ही में जारी की गई उंगलील ओरुवन आत्मकथा किसकी है, तो यह है एम के स्टालिन की है। हमारा दूसरा है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित ममता बियांड 2021 नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, तो ये किया गया जयंत घोषाल के द्वारा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित द ब्लू बुक, कौन सा हाल ही में किसके द्वारा लिखित द ब्लू बुक नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, तो ये किया गया अमिताभ कुमार के बीच। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का विमोचन किया गया है, तो ये किया गया नवदीप सिंह गिल के द्वारा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है कि हाल ही में ए आई एम ए ने किसको डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड, क्या है डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया सुजीत सरकार को। इसका हम व्याख्या देख ले कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में कई श्रेणियों में 2021 AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स प्रदान किए हैं। इस श्रेणी में सरदार उधम सिंह के लिए सुजीत सरकार को डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस साल AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स के 12वें संस्करण का आयोजन 7वें नेशनल लीडरशिप कन्वेंशन के साथ किया जा रहा है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो पहला है हमारा कि किस केंद्रीय मंत्री को मिला 18वां स्वर्गीय माधवराव लीमये पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया है नितिन गडकरी को। और हमारा अगला है कि हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो यह है नीना गुप्ता को। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट है कि हाल ही में किस अभिनेत्री को 12वें भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया हर्षाली मल्होत्रा को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपने इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके को जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी है। तो पहला है, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि गीत गोविंद किसने लिखी, तो ये लिखा है जयदेव ने।
और उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए, तो ये बनवाए चंदेल ने, यानी चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो मंदिर बनवाए थे। और हमारा अगला है कि दास कैपिटल किसकी रचना है, तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। और हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था, तो ये लूटा था 1025 ईस्वी में। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था, तो इसने लूटा था 1398 ईस्वी में, यानी तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था, 1398 ईस्वी में। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, और आपने कुछ रिवीजन भी देखा इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में। तो ऐसे ही आप लोगों को अब आगे की क्लासेस मिलती रहेंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।